आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन भी आबकारी विभाग की टीम के साथ कार्रवाई में जुटी है। मौत का सामान बेचने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। आगरा में जहरीली शराब ने मौत का तांडा मचाया। शुरुआत में थाना ढौकी के कोलारा कला और थाना ताजगंज के देवरी में कई लोगों की मौत हुई। इसके बाद थाना शमशाबाद के गड़ी झान सिंह में मौत का मामला सामने आया। मौत का यह ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी तेजी के साथ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। मौत के सौदागरों को दबिश देकर ढूंढा जा रहा है। लगातार ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर मौत बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 9 लोगों को आगरा पुलिस जेल तक पहुंचा चुकी है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई लोगों के यहाँ दबिश भी दी जा रही है। मुख्य आरोपी धारा सिंह और हेमंत को तलाशा जा रहा है। हेमंत और धारा सिंह पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। लगातार टीमें मुख्य आरोपियों को तलाश रही हैं। एसपी सिटी, एसपी वेस्ट, एसपी पूर्वी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। कई टीमें लगातार दबी से मार रही हैं। आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास के जिलों और राज्यों में भी मौत के सौदागरों को तलाशा जा रहा है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।